हाँ गम तो है कि हमारे भाई हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन खुशी इस बात की है कि भाई हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं। जॉन बीरन का धरती कहल जाते गाजीपुर, यहाँ भी अभी एम्बुलेंस से शहीद पार्थिव शरीर भेजवाओल जाता है और जिले के कोने कोने से। आप देखिए कोई भी नौजवान ये नहीं कि नंदगंज थाना के अंतर्गत है तो नंदगंज के ही लोग हैं, नहीं जिले के कोने कोने से भाई यहाँ आके उपस्थित है। तटी फटल दबदबा था, दबदबा है, बुंदापन है गाँव क्षेत्र में, गाड़ी में दम नागी जाए बढ़ रहे पकड़े। और यहाँ का एक परंपरा है गाजीपुर का कि जो भाई हमारे शहीद होते हैं हजारों हजारों जिले के कोने कोने से नौजवान यहाँ आते हैं। लेकिन अब चाहिए वो लोग के इनसे ज्यादा मेहनत करते हो कुल चमचवा नहीं, नहीं। जैसे शहीद लोगों के सम्मान में भी ये भाजपा सरकार में कमी कर रही है। रणवीर का तो पूरा प्रकोप पड़ा है युवन के ऊपर, युवन के जैसे कि एकदम पूरा जिंदगी बेकार कर दिया, किडनी निकल गई, एकदम एकदम किडनी निकल गई। विधायक सांसद जो भी जैसे है लेकिन आप चक्कर में कौनों भी पार्टी कहूँगा कौनो भी पार्टी उनके पास टाइम ना हो गाड़ी में दम हो जेकरे गुंडा बने के गाड़ी में दम हो मेहनत करा भर्तियों का जब बदले में देखा कि जब तक सूरज चांद रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा वीरों की धरती शहीदों की धरती गाजीपुर। और गाजीपुर ऐसा प्रसिद्ध स्थल है जहां पर हर महीने एक न एक वीर शहीद होता है देश के लिए। उसी कड़ी में ललन यादव डंडापुर गाजीपुर जो नंदगंज थाना अंतर्गत आता है कल शहीद हो गए थे। उनके पार्थिव शरीर को लेने के लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, थोड़ा सा घुमा दीजिए भैया, हजारों की संख्या में लोग उनके दीवाने चाहने वाले देशभक्ति को पसंद करने वाले लोग आए हुए हैं। हम हैं नंदगंज हाईवे पर और यहाँ पे पार्थिव शरीर जस्ट थोड़ी देर में आएगी और उनको लेकर के लोग उनके पैतृक गाँव पर जाएंगे। और 8 साल केवल सर्विस किए थे, 2 पुत्रियां हैं और ये बड़े लड़के थे केदार यादव के और उनकी पार्थिव शरीर जाएगी, सलामी दी जाएगी और उनको जो है अंतिम यात्रा में लोग शामिल होने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। मैं हमारे बीच एक समाज सेवी है, भैया परिचय दे दिया आप। जी नमस्कार, मैं अजीत कुमार बिंद समाज सेवी गाजीपुर। तो ये जो हुजूम यहाँ पे आया हुआ है जी ललन यादव जी जो शहीद हुए हैं देश के नाम पर, कुछ बताएंगे उनके बारे में? जी ये हुजूम है जी हमारे यहाँ जो भी क्षेत्र में हमारे भाई शहीद होते हैं जी जी हजारों हजारों की संख्या में हमारे नौजवान एकत्र होते हैं और अपने भाई की पार्थिव को शरीर को लेकर हम लोग पैतृक गांव डंडापुर जाएंगे जी जी। वहां पर सलामी दी जाएगी, वहां से फिर अंतिम संस्कार हम लोग चोचकपुर घाट करेंगे। अच्छा। तो यहां का एक परंपरा है गाजीपुर का कि जो भाई हमारे शहीद होते हैं हजारों हजारों जिले के कोने कोने से नौजवान यहाँ आते हैं और भाई के सम्मान में और भाई के साथ अंतिम संस्कार करते हैं। आप भी नजारा देखिए, ये सुबह का है, सुबह 6-7 बजे से यहाँ लोग उपस्थित हैं और जिले के कोने कोने से। आप देखिए कोई भी नौजवान ये नहीं कि नंदगंज थाना के अंतर्गत है तो नंदगंज के ही लोग हैं, नहीं जिले के कोने कोने से भाई यहाँ आके उपस्थित है। हाँ गम तो है कि हमारे भाई हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन खुशी इस बात की है कि भाई हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं। आज उन्हीं का दिन है कि हम लोग यहाँ बोलने का मौका मिल रहा है, हमारे नौजवान को रहने का मौका मिल रहा है और भर्ती लगाकर जाके देश सेवा करने के लिए सभी लोग। गम है और गर्व भी है जी, गौर तो है, गम है और गर्व भी है। तो साथियों देखिए हमारे बीच अभी समाज सेवी बिन जी थे और इन्होंने 2 शब्द में अपनी बात को रखी। हमारे दाहिने तरफ सद्दाम भाई जिनको सभी लोग जानते हैं, जो युवाओं के प्रेरणा स्रोत है और विशेष रूप से भर्ती होने वाले नौजवानों को बहुत प्रेरणा देते। भैया आपका स्वागत है। जी जी जी। हम पूछना चाहते हैं आज और पिछले समय का जो सैनिकों का जो सम्मान था, सम्मान में कोई कमी आई है क्या? वो तो कमी अब आपके खुद ही पता चल जाए, एम्बुलेंस से आओ थे शहीद पार्थिव शरीर। अच्छा, तो खुद ही पता चल जाए की कमी है की ना कमी है। अब हम बताओ की कहा कमी तो पूरा कमी हो गई है। अच्छा हाँ, क्या पहले का पीछा? अरे बुआ शहीद जो देश के लिए शहीद होगा अब फोर्स का मतलब सलामी बदे या भी जो भी फोर्स का सम्मान हो हर एक चीज आवे चाहिए ना। पहले लोग एकदम जुट जा जगह न रहा, लेकिन आपके जमाने में जो भी गाजीपुर बीरन की धरती कहल जाले ये अब जॉन बीरन की धरती कहल जाते गाजीपुर, यहाँ भी अभी एम्बुलेंस से शहीद पार्थिव शरीर भेजवाओल जाता है। ललन जी की शहीदी पर हम सलाम करते हैं। अब नेता लोगन के पास पैसा ना रख ले की कम से कम जो देश सेवा करत का शहीद हो गया उनका सम्मान ऐसे हो जा। अच्छा की सुरक्षा के लिए पैसा है के लिए पैसा? कुल नेता कुल ऐसा ही हो, कुल नेता कौन भी पार्टी को कुल ऐसा ही नेता। अग्निवीर है, अग्निवीर तो कहीं छाया इसकी छत छाया तो नहीं
लाइन पड़ गई। अग्नि वीर का तो पूरा प्रकोप पड़ा है युवन के ऊपर, युवन का जैसे कि एकदम पूरा जिंदगी बेकार कर दिया, किडनी निकल गई, एकदम किडनी निकल गई, जिंदगी बर्बाद कर दिले हुआ, ठीक है, जिंदगी बर्बाद कर दिले हुआ। बाकी कुछ युवा बेचारे भी टिकल हुए, मेहनत करते हुए, तो उनके भरोसा उम्मीद है। लेकिन अगर यह उम्मीद रही तो आने वाला समय में जैसे आम आदमी का लाश ज्यादा फूके बदे उससे कम आदमी हम जाएंगे। भैया वो ये टाइम के जो राजनीति चलते वो चाहत हुआ अच्छा, कि क्यों मरे जैसे हाँ, पहले तो शहीद ही बोलात रहे हाँ, अब क्यों इंस्पायर कर जाए तो सीधा कहीं मर गए हाँ, घर घर से फूक दा क्यों जन्मे जन्मे ना कर क्यों ना जैसे पहले तो पहले देख लो ना हाँ, जैसे इतना लोग अगर क्यों शहीद हो जाए बनिया में भी हो जाए चाहे कौनो जो भी राज्य अपन जिला हो लोग स्टेटस जब देखा फेसबुक व्हाट्सएप वह चलबे करे हाँ, हाँ। लेकिन आजकल युवा भी जो हुआ हाँ। वो सोचो तुम का लगाए जब दिले तुम लोग का लगाए भैया आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम अंकित यादव है हाँ। आई हम सब लोग ललन भैया के सम्मान में इकट्ठा भेल जाए यहाँ बस एक का बात हम ही कहल चाहे कि जैसे भर्ती के नौकरी के जो न की सीमा घटा दिया गई परमानेंट से अग्निवीर कर दिया गई वैसे अब जैसे शहीद लोगन के सम्मान में भी भाजपा सरकार में कमी कर दिया गई क्योंकि सैनिक तो किसी पार्टी या दल से होता नहीं है, वो तो देश के बेटे होते हैं चाहिए वो लोग के इनसे ज्यादा मेहनत करत हुआ कुल चमचवा नहीं चड्ढी फटल दबदबा था दबदबा है गुंडा बनिया गांव क्षेत्र में गाड़ी में दम ना की जाई पड़ रहे पकड़े अरे लाभ कह रहे सलाह लेकिन बतावा गाड़ी में दम हो जेकरे गुंडा बने के गाड़ी में दम आओ मेहनत करा भर्ती होकर जब बदले पर देखा कि गोली कैसे निकले थे गाड़ के छुआ थे कि छाती के छुआ थे अरे अच्छा क्या बोले थी ये समय रही यही तरह शहीद पार्थिव शरीर आई तो केहू बाहू माई अपने लड़का के देश सेवा करे बदे भेजी लड़कों का गिरावट हुआ है सेना में जाने के लिए जी लड़कों का दिल तो होना ही नहीं चाहता है कोई नहीं चाहता है जैसे मैं तो अभी जाएगा जुलूस में चला जाएगा कोई नहीं जाना चाहता है उनके विधायक सांसद जो भी जैसे है लेकिन आप रोटी लेकर चक्कर में कौनो भी पार्टी कहूंगा कौनो भी पार्टी उनके पास टाइम ना हो क्यों नहीं इतना टाइम नहीं है मुद्दा उठाओ तो कोई राजी है जनप्रतिनिधियों की रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि ऐसे कार्य में जरूर आए। देखिए यहाँ लोगों का उद्गार आया है कि ऐसे मौकों पर जब देश का बेटा शहीद हो गया है तो उनकी अंतिम यात्रा में कम से कम श्रद्धांजलि के रूप में आना चाहिए या उनकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। सद्दाम भाई आएंगे मतलब जब सब कुछ हो जाए।